कबड्डी खिलाड़ियों दी हो रही मुक्त एक चिंता जाहिर करते हुए कि इस काम को किवें रोकया जाए, कबड्डी को क्लीन किवें किया जाए, उस संबंध में मीटिंग कॉल की। स्टीरॉयड का यह होंगे भी पावर वास्ते ले रहे हैं प्लेयर, पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे है। बेहतर तो ये बारे डॉक्टर दस सकते हैं, सानू तो जिदा मोटा मोटा पता भी ये अपन किडनियाँ डैमेज हो सकती हैं, लीवर से नुक्स पै सकता है। जिहड़ा नशा बढ़ाया भी है ना, ज़्यादा ब्रैज होने लग गए पिंड नाम ज़्यादा होने लग गए, उन्हें नशा बढ़िया, क्योंकि हम जिदा असी लीग चला रहे हैं, असं की किया असं ब्रैज मन के चलो 25,000 रख रहे हैं, 20,000 सैकंड में तो जो पार्टीसपेट ने जिन्या भी टीम ने उन्होंने सारे असं किसी 2,000 किसी 1,500 2,500 सारे देने पैसे। पंजाब विच नशे ने अनेकां नौजवानों की जान लै ली, हुण इस नशे ने कुछ कबड्डी खिडारियों नूं भी अपनी चपेट विच लै लिया। कबड्डी प्लेयरां वल्लों अपने खेड नूं वधिया ते जल्दी मशहूर होण लई नशे ते स्टेरॉयड की वरतों की जाती है। नशे ते स्टेरॉयड कारण कई कबड्डी खिडारियों नूं अपनी जान तों भी हाथ धोना पिया है। हुण पंजाब दे कबड्डी कोचां ने खिडारियों नूं बचाउण लई प्लेयर बचाओ मुहिम नूं आरंभ की है, जिस दे तहत कबड्डी खिडारियों नूं वधिया खुराक बारे अते स्टेरॉयड दे माड़े असर जानू करवाया जाएगा। कबड्डी कोचा ने कहा कि कुछ प्रमोटर अपनी टीम नू वधिया दिखाउण लई खिडारियों दे जीवन नाल खिलवाड़ कीती जांदी है। कबड्डी साडी मां बोली खेड है, जिस नू बचाउण लई सानू इक हो के अगे आउणा पवेगा। मक्खन सिंह डीपी ने दस्या कि पंजाब दे कुछ कबड्डी खिडारी भी वड्डे पद्धर ते नशे दे आदी हो चुके ने। कबड्डी खिडारी वल्लों खुराक नालों वध प्रोटीन नूं तरजीह दित्ती जांदी है, प्रोटीन दे वध सेवन नाल कई कबड्डी खिडारियों दी मौत भी हो चुकी है। अज ज़्यादातर कबड्डी खिडारी जल्दी तो जल्दी मशहूर होने लई प्रोटीन दा इस्तेमाल कर रहे ने, जिस नूं देखदे होए खिडारी बचाओ मुहिम अधीन एक कॉल कीती गई, जिस विच मक्खन सिंह ने कबड्डी खिडारियों दीआं हो रहीआं मौतां नूं उत्ते चिंता जाहर कीती अते कहा कि कुछ कबड्डी खिडारियों दी मौतां कारण नशा ते स्टेरॉयड है। कुछ कबड्डी खिडारी जल्दी तो जल्दी मशहूर होने लई जां विदेशां विच पहुंचण लई इसका सेवन कर रहे ने, परंतु इन्हां नूं इस नशा अते स्टेरॉयड तो होने वाले नुकसान का ज्ञान नहीं है, इसका मुख्य कारण कबड्डी खिडारियों विच अज्ञानता का होना है। मक्खन सिंह ने कहा कि कबड्डी के प्रमोटरां नूं भी चाहिए कि वह खिडारियों नूं स्टेरॉयड ते नशे तो दूर रखन, खिडारियों नूं वधिया खुराक लैण लई प्रेरित करन, तां जो कबड्डी खिडारियों की स्टेरॉयड जां प्रोटीन नाल हो रही मौतों नूं रोकिया जा सके। इत्थे मक्खन ने यह भी कहा कि कबड्डी पूरे विश्व विच प्रचलित है, पंजाब अते विदेशां दी कबड्डी फेडरेशनां नूं इक हो के प्लेयर बचाओ मुहिम दा हिस्सा बनना चाहिए, तां जो कबड्डी नूं वधिया ते साफ सुथरे तरीके नाल पेश कीता जा सके। मक्खन सिंह डीपी च लिखी यह राणा धामी दे सदे दे उत्ते प्लेयर बचाओ मूव दे अधीन एक कॉल दित्ती गई है। कबड्डी दे विच कबड्डी खिडारियों दी हो रही मुक्त ते चिंता जाहिर करते हुए कि इस काम को किवें रोकया जाए, कबड्डी को क्लीन किवें किया जाए, उस संबंध में मीटिंग कॉल की। ज़्यादातर कारण जिहड़े आ स्टीरॉयड जां नशा जी, देखो जी इहनूं खत्म करन वास्ते काफ़ी यतन किए गए हैं, ये ना तो एक दिन आया तो ना ही एक दिन खत्म होना है, पर इहदा मतलब ये भी नहीं भी ये खत्म नहीं हो सकता, जे असीं कोशिश करांगे तो खत्म होगा। ये वास्ते कोशिश पहला पंजाब कबड्डी फैडरेशन, नॉर्थ इंडिया कबड्डी फैडरेशन, मेजर लीग कबड्डी फैडरेशन ने की है, बहुत बार टेस्ट टुस्ट करवाए है, पर कई बार कई गलों के उत्ते बाहर फैडरेशन की सहमति ना होने कारण ये दोबारा फिर चल पी है, क्योंकि कबड्डी का खिलाड़ा एक बहुत व्डा वर्ल्ड लैवल के उत्ते व्डा है, तो वर्ल्ड लैवल के उत्ते कबड्डी करवाने वाले का कबड्डी फैडरेशन का जरा एक प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा, जिस करके एक कंट्रोल नहीं। ये अपने देखे जावे तां प्रमोटरां दा भी इहदे विच हाथ हैगा जी। देखो जी किसी एक नूं दोष नहीं दे सकदे वी किहदा हाथ है ते किहदा नहीं, जिन्ने भी कबड्डी नाल रिलेटड बंदे आ ना जिन्ने भी वो एक दूजे दे उत्ते चिक्कड़ ना सट्टण, वो सारी जिम्मेवार है, क्योंकि जद असीं कबड्डी नूं असीं मां खेड कहिंदे आ, दिन परात दे विच कम करदे आ, जे इहदी नेकी वास्ते ये चंगे गुणा की चंगई का एवज लैंड असं भज के मूहरे होंगे हैं, तो जड़ियाँ यदि बुराइया वो जिम्मेवार भी असं सारी लगता थोड़ा कि जो कबड्डी प्लेयर ने उन्होंने अवेयरनैस की घाट है जी।
हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन की बहुत घट है, क्योंकि जी होंगी है शरीर के शक्तिवर्धक दवाइया की वरतों, वो कली कबड्डी नहीं दुनिया की हरेक गेम होंगी है, पर फिर भी बहुत सारिया शक्तिवर्धक इस तरह दवाइया होंगे जिड़िया बैन होंगे, जिड़िया ओलंपिक एसोसीएशन वालों बैन की होंगे। तो कबड्डी खिलाड़ी ज़्यादा जोड़े है वो पेंडू इलाकों संबंधित होने करके, जो उन्होंने स्टार्ट है वो बगैर किसी निगरानी तो होने करके, उन्होंने कोई डाइट चार्ट ना होने करके वो जी लै रहे एक दूजे देखा देखी रह रहे हैं, इस करके ये इन्वॉल्व होंगे जाते हैं, वो लेंदे तो आपके जाने चंगे वास्ते है, पर उन्होंने ये पता नहीं कि ये बैड इफेक्ट की है, ये मुक्त भी हो सकती, कोई भी नहीं चाहता होंगे कि वो मौत हो, पर फिर भी वो इनू लै रहे हैं, इस करके मैं कहूँगा ये ग्यंत ही है उन्होंने, क्योंकि जिंदगी नाल तो कुछ भी नहीं चंगा, जो थोड़ी जिंदगी नहीं रही तो मशहूरी तो की रहना, इस करके अवेयरनेस की घाट है जिस करके इस पास भी जा रहे हैं। डाइट की प्रॉब्लम हैगी है, सारे पंजाब दे विच ही डाइट की प्रॉब्लम हैगी है, जिनी डाइट चाहिए है, तो जिहड़े वर्ग के कबड्डी खिलाड़ी आ रहे हैं उन्होंने डाइट नहीं मिलती, इस करके वो तकड़े होने वास्ते कोई अल्टरनेटिव होर साधन लभदे हैं, जे उन्होंने प्रॉपर डाइट मिलती होवे, प्रॉपर खुराक होवे, उन्होंने स्टार्ट दे विच कोचिंग ठीक होवे, तो शायद इस पासे ना ही जाती। जगतार सिंह धनौला, धनौला ही पिंड है जी मेरा, ये काफ़ी कोचां ने ते नवें कोचां ने तैयार होकर गल की सी भी कबड्डी विच काफ़ी जिदा मुंडिया की डैथ हो चुकी है, वो सोचते हैं भी वह स्टीराइड वगैरह ला के खेडते हैं, भी वो हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, भी कोई उपराला किया जाए भी ये कबड्डी चो आप स्टीराइड वगैरह या कोई होर प्लेयर नशा करके खेलता है भी उन्होंने कंट्रोल किया जाए, नवे सिरे तो कबड्डी की शुरुआत की जाए, जो नवे प्लेयर उठ रहे हैं भी उन्होंने किसी तरीके आप तैयार करिए भी वह इस पास ना जा। स्टीरॉयड लैन का कारण की बने? स्टीरॉयड का यह होंगे भी ये पावर वास्ते लै रहे हैं प्लेयर, पर ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे हैं, बेहतर तो ये बारे डॉक्टर दस सकते हैं, सानू तो जिदा मोटा मोटा पता है भी ये अपन किडनियाँ डैमेज हो सकती हैं, लीवर से नुक्स पै सकता है, तो होर थोड़े जिमें कह दिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी आने वाली, जब तुम थोड़ी जी एज हो जाती है तो वो जाके होर भी कई समस्या आ सकती है थोड़ी बॉडी से। हाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनैस की घाट है, तो बाकी प्लेयर पता नहीं की गल है भी वो इस पासे हुए हुए बहुत स्टीराइड वाले पासे, क्योंकि प्लेयर बनने वास्ते नहीं थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, अजक पता नहीं जमाना ही मॉडर्न हो गया, कोई हार्ड वर्क करके राजी नहीं है, तो तुम ग्राउंड का हार्ड वर्क करते हैं तो तुम जाके कई साल प्लेयर बनते हैं, प्लेयर हूँ शॉर्टकट रस्ते च होए हुए भी मैं छेती पावरफुल होकर स्टीराइड नाल पावर पा के अपनी बॉडी च भी छेती तकड़ा प्लेयर बन के छेती अपना ना कमावा पैसा कमावा, पर ये नहीं सोचता भी लॉन्ग टाइम जाके भी मेरे नाल की नुकसान करूंगा। कबड्डी कोच काफ़ी है ये कई कोच इदा तुरे फिरते हैं भी ना उन्होंने कबड्डी खेती ना खिलाई उन्होंने स्टीराइड बारे ज होर इन चीज़ों बारे नॉलेज है, सानू इन्होंने बारे इन्नी नॉलेज है नहीं, वो उन्होंने करा रहे हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा उन्होंने हाथ है खराब करने, तो प्लेयर नहीं देख रहे भी सानू साडा कोच की खिला रहा है तो वो चक्की जा रहे फट्टे, पर जानी प्लेयर साढ़े नालों जिदा ज़्यादा वध पता नेटा नुटा से देख के भी ये आ टीका के कि पावर पाँद की करता है ना, बस सानू तो इन्हें पता भी जिदा असं सुने भी ये साइड इफेक्ट लॉन्ग टाइम जाके बहुत होंगे भी ये चाहिए नहीं, जे साइड इफेक्ट होंगे तो ही जिमें सरकारी गेम कह लो या ओलंपिक कह लो एशिया कह लो उत्ते स्टीराइड बंद है तो ही नहीं कोई कर सकता है, उन्होंने टेस्ट होंगे तो उन्होंने प्लेयर किन्ने किन्ने साल वास्ते बैन किया जाता है, जे उन्हें मैडल भी जितना तो मैडल भी वापस लिया जाता है, तो जे वो नुक्स है तो ही बैन है ना स्टीराइड, तो साढ़े ये कबड्डी चल रही है ये कल पंजाबियों चल रही है चाहे वह एन आर आई है खास करके तो एन आर आई करा रहे हैं, जो इंडिया भी मैच होने तब भी उ करा रहे हैं एन आर आई बंदे तो वो करा रहे हैं, तो यदा कोई टेस्ट नहीं है कोई कुछ नहीं तो करके प्लेयर बस खिची तुरे जा रहे हैं। यह पास मेरा नाम जसवीर सिंह सीरा पिंड मेरा जरगड़ी आ, नशा रहित भी कबड्डी हो जाए वो वास्ते मीटिंग करी आ, तो असं आप भी लीग चलाई आदेश भी असं नवे मुंडिया मौका दे रहे हैं भी इंटरनेशनल प्लेयर अभी कोई खिलाना नहीं है,
जिहड़े नवे बच्चे नवे उठन उन्हां करके ही उपराला कर रहे कोच तां जी मक्खण साहब आ चिड़क वाले जी ठीक है जी जगतार बाई ने धलोले तो बाई जी है ना ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਜਿਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1,00,000 ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਚ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।